हाय दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूल गए होंगे कि आज एमपीए डीपीओ जो 2022 की रिटियाज का थी, उस पर सुनवाई लगी हुई है। फाइनल हियरिंग के लिए वो लगी हुई है। अब आज क्या होता है, कितने नंबर पर लगी है, किस कोर्ट में लगी है, मैंने मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो मैंने ये वीडियो जो है आपके लिए बना रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल याद होगा, फिर भी मैंने अपना ये कर्तव्य समझा, ड्यूटी समझी, और आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है अपनी आज लगी हुई है 22244 जो रेट थी, ठीक है, नंबर था जो आपका 22244 आबलिक 22, ठीक है, एक और इसी में आके जो है ऐड हो गई थी, ठीक है। तो इसको ये लगी हुई है और ये 1 फरवरी 2023 को लिस्टेड है। किसके यहाँ लिस्टेड है? ऑनरेबल जस्टिस श्रीमान जो आनंद पाठक जी हैं, इनके यहाँ ऑनरेबल जस्टिस के यहाँ ये लगी हुई है और 36 नंबर पर जो है लगी हुई है। तो निश्चित ही इसकी सुनवाई होने की पूर्ण आज आशंका है। अगर दोनों ही पक्ष के वकील हैं जो अगर आर्गुमेंट करते हैं, तो आज ही इसका जो है डिसीजन आने की संभावना है। और अगर 1 वीक 2 वीक यदि कोई टाइम लेते हैं दोनों में से कोई भी, तो फिर कोई बात नहीं है। और क्योंकि जो जवाब वगैरह आने थे वो दोनों के आ गए हैं, ओनली फार जो है आर्गुमेंट के लिए ये बची हुई है। तो अब ये देखना होगा कि ये दोनों वकील जो है आर्गुमेंट करते हैं तो फिर आज जजमेंट आता है या कुछ टाइम लगता है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ कि आप इसको देखते रहिए, इस पर नज़र बनाए रहिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।